शिवानुजा सरस्वती नीलभुजा सरस्वती सुभद्राये नमः। ब्रह्म जाया विशाला श्री श्वेतानन सरस्वती चतुरानन सरस्वती श्वेतापरा सरस्वती चित्रापरा सरस्वती कमलसना सरस्वती हंससना सरस्वती शिवागोपी सरस्वती भामभारती सरस्वती रमापरा सरस्वती पीतविमला सरस्वती सुधामूर्ति सरस्वती चंद्रवदना सरस्वती महाकला सरस्वती महाबला सरस्वती महाज्ञाना सरस्वती महाविद्या सरस्वती महाशक्ति सरस्वती महारूपा सरस्वती महाचतुरा सरस्वती महारंगणा सरस्वती 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 महापाशा सरस्वती महाभामा सरस्वती महाश्रया सरस्वती महाभागा सरस्वती। मुझे बहुत मजा आया, हालांकि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। हमारे माननीय सुभाष यादव जी ने भी एक श्लोक बोला था, उसमें भी बहुत मजा आया, मेरी समझ में नहीं आया। कई बार ऐसी स्थितियों में आदमी फंस जाता है यादव जी। मैं तो एक बार फंस गया, एक यूनिवर्सिटी से मुझे बुलाया गया, बोले भाई साहब हमारे यहाँ संस्कृत का अधिवेशन है, वहां पर हमने संस्कृत के विद्वान बुलाए हैं, आप भी आइए। मैंने कहा मुझे करना क्या है, बोले वो संस्कृत में अपना अभिभाषण देंगे, आप उसका हिंदी अनुवाद करना। अब मुझे तो संस्कृत नहीं आती थी, तो मैंने उनसे पूछा जो लोग बुलाए हैं उनको संस्कृत आती है क्या, बोले साहब उनको नहीं आती। तो मैंने कहा फिर तो मैं अनुवाद कर दूंगा। तो मैं गया वहां, वहां पर एक अतिथि विद्वान ने बोला स्त्रियस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न तो हम जानाति कुतो मनुष्या। मैंने कहा ये संस्कृत के विद्वान कह रहे हैं कि स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। तो इस एक अद्भुत कवि है, बहुत अद्भुत पारी खेलने के लिए मैं उसे यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, और उससे एक निवेदन ये करूंगा कि हास्य व्यंग में वो चाहे जो सुनाए वो सुनाए, लेकिन उसका इन दिनों में जो बिहार का गीत प्रचलित है बिहार गान, उसे जरूर सुनाए एक बार पहले कवि के लिए। चतरा किस तरह की तालियां बजाता है, बजा कर दिखा दीजिए भाई शंभू शिखर। जो बोलता है तो ना, तभी हाँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोग यहाँ प्रशासन के लोग बैठे हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं, पुलिस के लोग बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। मैं आपके पूरे चतरा शहर में घूमा थोड़ा बहुत, बस एक निवेदन करना चाहता हूं और यहीं से कवि सम्मेलन प्रारंभ करता हूं। वैसे मैं मूल रूप से सर बिहार का रहने वाला हूं, जैसा मेरे विषय में आदरणीय बेचैन साहब ने बताया, तेज नारायण शर्मा बेचैन जी ने, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अच्छा, यहां पर मैं जितने भी लोग देख पा रहा हूं वो सब बिहार में पैदा हुए होंगे, बाद में वो झारखंड में आ गए होंगे। उन्हें इस बात का 15 साल तक दुख था कि हम बिहार से क्यों अलग हो गए, लेकिन बिहार में जब शराब बंद हुई तो सबसे ज्यादा आप ही खुश थे कि यार चलो हम तो बच गए। तो आप लोग जो बच गए ये आप लोगों का मामला अद्भुत है। लेकिन एक मैं निवेदन सर जरूर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ चतरा आया, बहुत साफ सफाई, बहुत बढ़िया चीजें, सब कुछ, लोग बहुत अच्छे हैं, इतने प्यार से नौशाद भाई सब हमारी व्यवस्था, इन्होंने कवियों की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, एयरपोर्ट पे इतनी सारी गाड़ियां, कवियों को इतनी व्यवस्था की आदत नहीं होती, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। शहर में जब मैं घुसा तो एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप यहाँ के प्रथम नागरिक के तौर पर है। यहाँ पर मैं घूमा, मैंने यहाँ की सड़कें देखी सर, कृपया जिस मटेरियल से स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं उसी मटेरियल से सड़क भी बनवाया करें। अच्छी बात सर, स्पीड ब्रेकर एक बार बन जाता है 3-4 साल नहीं टूटता है, सड़क हर बरसात में टूट जाती है, काम वही है, मटेरियल बदलना है बस। तो आगे से मैं समझ के रखता हूं कि जब अगली बार हम चतरा आएंगे तो पूरे चतरा में स्पीड ब्रेकर होंगे ताकि सड़क ना टूटे। लेकिन आप लोग जितनी बढ़िया आप लोगों ने महफिल सजाई है, जितने अच्छे अच्छे कवि आपने बुलाए हैं, पहले कवि के रूप में आदरणीय चेत नारायण शर्मा जी ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया। कार्यक्रम शुरू हुआ तो ये दोनों तरफ की लाइटें घूम रही थी, सिर्फ रोशनी नहीं निकल रही थी, मुझे सरकार की याद आ रही थी।
कहती विकास हो रहा है लेकिन रोशनी नहीं निकल रही। समझदार लोगों की बात है सर, सच बता रहा हूं मैं। ये रोशनी जब जलने लगी तो आदरणीय संपत सरल जी ने कहा कि भाई ये रोशनी बंद कराओ, ये सर्कस थोड़ी हो रहा है। तो मैं उन्हें बता रहा था कि रोशनी वाला मुझे लगातार देख रहा है, उसे बंदर भालू की फीलिंग आ रही होगी, इसलिए वो रोशनी ये जला दे रहा है और इसलिए सब चीजें चल रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं चंद्र आया, मैंने किसी के भी चेहरे पर मास्क लगा हुआ नहीं देखा। मैं एक आदमी के पास पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे कोरोना वोरोना नहीं है क्या? वो मेरे मुंह पे आके खांस गया, बोले जा टेस्ट करा ले, पता चल जाएगा कोरोना है कि नहीं। तो आप लोगों ने कोरोना पे जिस तरह से विजय पाई है, निश्चित तौर से इसके लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी भी इसके लिए, ये माइक काहे लटक गया, ऐसे ही लटक जाता है कभी कभी, इसके लिए बहुत बहुत इनका साधुवाद करता हूँ, प्रशासन का साधुवाद करता हूँ। भले ही इन्होंने कोरोना काल में लठ बरसाए हो लेकिन आप लोगों की जिंदगी बच गई, ये ज्यादा बड़ी बात होती है। नहीं तो पुलिस तो साहब, पुलिस ऐसी थी वो डंडा भी सैनिटाइज करके रखती थी, सुबह शाम दो बार डंडा सैनिटाइज करके काम चलाती थी। और सच बता रहा हूँ, व्यंग के बड़े कवि, देश में इस समय जो सबसे बड़ा नाम है व्यंग का, आदरणीय संपत सरल जी की जब मंच पर गरिमा में उपस्थिति होती है तो मंच अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। जिस मंच पर विष्णु सक्सेना जैसे गीतकार होते हो, ये भी मंच बहुत सचमुच, और आदरणीय अनामिका अंबर जी, मुमताज नसीम जी, तेज नारायण शर्मा बेचैन जी, ये सब अच्छे कवि हैं। मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, आप लोगों को ऐसे ही मैं सुनाता रहूंगा, चार चार लाइनें सुनिएगा। कोरोना काल में सर अद्भुत था, आप मंदिर जाइए, मंदिर में भी आपको सैनिटाइजर, मैं मंदिर भगवान के दर्शन के लिए गया तो सैनिटाइजर दे दिया, मैं चंद्रामृत समझ कर चाट गया, मुझे अल्कोहल का टेस्ट आया, मैंने कहा दो चार बार और दो, बोले बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले कल एक डिब्बा लेके भाग गया था। बोले ऐसे नहीं तो ऐसे सही। पुलिस हंस रही है, पुलिस को प्रणाम करता हूं, हंसती हुई पुलिस बहुत अच्छी लगती है, जब भी पुलिस हंसती है तो व्यवस्था बहुत अच्छी बन जाती है। मैंने अक्सर देखा है वो तो यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, नहीं तो यूपी में जाकर के देखो मुंह से आवाज करके गोली मारने की कला, वहां की पुलिस वालों को आती है भाई साहब मेरा फोटो लेने आ गए, भाई साहब मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। इन फोटोग्राफरों को आप शादी ब्याह में देखा करो, ये दूल्हे का फोटो दूर से खींचते हैं, दुल्हन के पास जाते हैं, क्लोजअप करो, ऐसे करो, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे आदमी है, बड़े शानदार आदमी है, कवियों की इतनी चिंता, इतना मीठा बोलने वाला आदमी। एक बार नौशाद भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां मंत्री जी मैं इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि हमारा आधा लिफाफा भी इन्हीं के पास फंसा हुआ है। भाई जिसकी जाओ उसकी जाओ, आप लोगों ने सुना होगा 56 इंच का सीना, आप लोगों को आनंद आ जाएगा। कभी बिल्कुल निष्पक्ष अपनी बात कहता है, बस पहली लाइन पे आनंद, चौथी लाइन पे आपको मजा, लीजिए चार चार लाइनें सुनाता हूँ जिस चीज के लिए मैं जाना जाता हूँ 56 इंच का सीना। कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप निश्चिंत रहते थे, 5-6 घंटे बाद पूछ लेते थे बेटा कब लौटे। अब स्थिति यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश योगी जी, और चार लाइने आनंद लीजिए। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास।